वहीं बेगूसराय के पूर्व विधायक सुरेंद्र मेहता ने मौजूदा कांग्रेस विधायक पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस विधायक अमिता भूषण ने जनता को ठगने का काम किया है। उन्हें न जनता की फिक्र है और न ही क्षेत्र के विकास की चिंता है। लेना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में किस तरह के विकास जो है वो देखने को आपको मिल रहा है, हमें हमारी जनता को बतावे। कहीं ना कहीं जनता जो है कुछ बातों से असंतुष्ट भी दिख रही है और कुछ बातों से संतुष्ट भी दिख रही है, तो जनता को क्या बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, पूरे बिहार के अंदर माननीय नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जो विकास का काम करने का काम किए, ये बिहार की जनता बखूबी जानती है। और तभी तो आपने देखा कि जब हर बार उन्हें 15 साल का समय उनको मिला और बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा नीतीश कुमार के नेतृत्व में, दो शख्स बिहार के अंदर उस माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है, बिहार में विकास का काम हुआ है, बिहार देश के मानचित्र पर आगे आया है। और आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले दिनों जो लालू जी की हुकूमत में 15 साल तक उनका हुकूमत रहा और 15 साल में ये बिहार जंगल राज के नाम से जाना गया। बिहार हम तो कहते हैं दुनिया के मानचित्र पर उन्होंने बदनाम करने का काम किया। एक बिहार का सीएम भ्रष्टाचार के मामले में जेल की हवा खाता हो तो सोच सकते हैं कि पूरे देश के अंदर मैंने बिहार का क्या होता होगा। लेकिन तो फिर भी जो विपक्षियां जो विपक्षी जो पार्टी है, राजद है, पप्पू यादव जी है, वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, आपके विकास कार्यों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। आप तो विकास कार्य की बातें तो कर रहे हैं लेकिन उनका कहना है जो विकास के नाम पे जनता के साथ ठगी की जा रही है, क्या आप बताना चाहेंगे? देखिए, मैंने हंसी आती है, पप्पू यादव जी बोलते हैं, तेजस्वी यादव जी बोलते हैं, क्या ये सच नहीं है कि तेजस्वी यादव को क्या बोलने का हक है कि 15 साल की हुकूमत में बेगूसराय में बिहार कितना बदनाम हुआ, इस पर बोलने का कि मैंने तेजस्वी यादव को अधिकार ही नहीं है। तो एक व्यक्ति तेजस्वी यादव 10,000 करोड़ रुपये का उनका मौल्य जब्त हो गया, सरकार ने जब्त किया।